रस्ता पर मोबाइल में मग्न नहराओ माटे लालबत्ती समान किस्सो सामे आव्यो छे। वडोदराना वाघोड़ियाना पीपळिया गाम पासे मोबाइल में मग्न बनीने रस्तो क्रॉस करी रहेला युवक ने सीटी बसे टक्कर मारता तेनुं मौत निपज्युं छे। वीडियो में जोई शकाय छे के रोडनी एक बाजूथी एक युवकना हाथमां मोबाइल छे अने युवकनुं संपूर्ण ध्यान मोबाइल में होय तेवुं देखाई रह्युं छे। मोबाइल में व्यस्त युवक ने सहेज पण अणसार नहोतो के सीटी बस आवी रही छे। आ समय जेवो ते रस्तो वच्चे पहोंच्यो अने त्यां ज सीटी बस आवे छे अने तेने अड़फेटे लई लै छे। तो रस्तो क्रॉस करती वखते मोबाइल में ध्यान होवुं केटलुं खतरनाक साबित थई शके छे ते आ किस्सो कही आपे छे। आ किस्सो लालबत्ती समान छे। युवक जे हतो ते मोबाइल में मग्न हतो एवो तो खोवाई गयो हतो के तेने ते पण भान नहोतुं के तेवो रस्तो क्रॉस करी रह्यो छे अने ते रस्तो क्रॉस करी रह्यो हतो तेटलामां सीटी बस त्यांथी आवे छे, पसार थाय छे अने तेने टक्कर वागी जाय छे अने तेनो त्यां ज जीव चालो जाय छे। तो रस्ता पर मोबाइल केटलो खतरनाक साबित थई शके छे तेनी घटना अने लालबत्ती समाना किस्सो चोक्कसथी कही शकाय। जगत मंदिर द्वारकाना शिखर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए ध्वजा चढ़ावी। थोड़ा दिवस पहला ज मंदिरना शिखर पर वीजळी त्राटकता नुकसान थयुं हतुं ध्वजाने अने त्यारे ज तेमणे निर्धार कर्यो हतो। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए परिवार साथे द्वारकाधीश मंदिरे ध्वजारोहण कर्युं। ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त विधि साथे द्वारकाधीशनी ध्वजानी पूजन विधि करवामां आवी। थोड़ा दिवस पहला ज द्वारका जगत मंदिरना शिखर पर वीजळी त्राटकी हती, परंतु द्वारकावासी पर मोटी घात भगवान द्वारकाधीशे टाड़ी दीधी। द्वारका पहुंचेला मुख्यमंत्री रूपाणीए परिवार साथे ध्वजारोहणनी पूजन विधि करी। सीएम रूपाणी उपरांत तेमना धर्मपत्नी अंजलिबहन शारदापीठ खाते पूजन करी धन्यता अनुभवी। मुख्यमंत्री द्वारकाधीशना दर्शन करीने सारा वरसाद अने गुजरात कोरोना मुक्त थाय तेवी कामना करी छे। थोड़ा दिवस पहला ध्वजा ऊपर वीजळी पड़ी थी ત્યારે જ સંકલ્પ કર્યો હતો કે દ્વારકા જઈને ધજા ચડાવી। આજે પ્રાર્થના કરી છે કે ગુજરાતની કાયમ હંમેશા દ્વારકાધીશ રક્ષા કરે, જલ્દી કોરોના મુક્ત ગુજરાતને બનાવે, ખૂબ વરસાદ આપે। વીજળીનો લાઈવ વિડીયો જોઈને લોકો માની રહ્યા હતા કે ભગવાન દ્વારકાધીશે જ દ્વારકા શહેર પરની ઘાત ટાળી। વીજળી પડતા ધજા અને ધજાદંડને નુકસાન થયું હતું। ત્યારબાદ સીએમ રૂપાણી દ્વારકામાં ધ્વજારોહણની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।